दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। जैसे हम अगर मथुरा देखते हैं कहीं पे लिखा है और सुनते हैं तो हमें याद आता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर है और जो आगरा से 60 किलोमीटर दूर है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, और मेरे वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये देखिए अभी हम निकल रहे हैं सीधे मथुरा के लिए, और हमारे लेफ्ट साइड में रह जाता है वृंदावन और यहाँ से सीधे हम पहुँचने वाले हैं मथुरा। हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम पहुँच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। हमारे जो साइड में राइट साइड में हमारे को देखेंगे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप आसानी से प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद आप यहाँ पे अपना सामान लॉकर में डिपॉजिट करा सकते हैं। और देखेंगे इधर साइड में आप देखोगे तो इस जगह खाने पीने की भी आपको दुकानें मिल जाएंगी। अब मैं आपको इस जो राइट साइड में यहाँ पे लॉकर है, मैं अभी बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के सामने आपका बिल्कुल खड़ा हूँ। और ये सिर्फ रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, बस स्टैंड से भी 2.5 किलोमीटर दूर है। आप इसको अगर आप बस से भी आते हैं तो गोवर्धन चौराहे से वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। इसके 3 गेट हैं और आपको मैं बताता हूँ पूरी वीडियो में, अगर मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, बट कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से आप यहाँ पे कैमरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते, जिसकी वजह से हमें अपना सामान लॉकर में ही सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे सामने देखेंगे काफ़ी धर्मशालाएं जहाँ पे काफ़ी चीफ हैं जो आप आराम से रह सकते हैं। पास अगर कोई बड़ा भी आइटम है तब भी आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ लॉकर में सारी सुविधा मिलती हैं। अगर आपके पास बैग है, कैमरा है, फ़ोन है तो सारी चीज़ें यहाँ सबमिट होती हैं। यहाँ पे जो बड़े आइटम हैं उनका यहाँ पे चार्ज है 10 रुपये, और बाकी जो छोटे आइटम्स हैं जैसे फ़ोन वगैरह सारी ये चीज़ों को यहाँ करते हैं, आपको स्लिप देते हैं और 2 रुपये यहाँ से लेते हैं। और आपके देखेंगे पानी पीने की सुविधा आपके यहाँ पे काफ़ी आरओ का पानी है। ये रही है मेरे चैनल के साथ, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और जितनी भी वहाँ से जानकारी होंगी मैं आपको पूरा एक एक डिटेल में बताऊँगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अंदर सिक्योरिटी पर्पज से आप इवन ईयरफोन, स्मार्ट वॉच फ़ोन कोई नहीं ले सकते, बट मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं गया तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कराया। और उसके धीरे धीरे आगे जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाल भोग का एक वहाँ पे भंडारा लगता है, सुबह शाम दोपहर में पूरा 24 घंटे भंडारा चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप अपने शूज़ रिमूव करेंगे, वह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शूज़ रिमूव करते हैं। अंदर खाने पीने की काफ़ी शॉप्स है, कम से कम 50 से 100 शॉप्स होंगे जो आपको प्रसाद भी मिलता है और वहाँ से आप प्रसाद खरीद भी सकते हैं जो मंदिर में चढ़ाया हुआ है। और वहाँ पे ऊपर कृष्ण जन्मभूमि के जो जगह है वो आपको मैं बताता हूँ, वहाँ पे आज भी है और वहाँ पे आज भी, और एक उन्होंने बिरला जी ने एक मंदिर बनवाया सबसे ऊंचे ऊपर, जो उसमें अंदर इतना भव्य दृश्य है कि आप देखते ही उसका मनमोहक हो जाता है। और एक चीज़ और खास बात, उस मंदिर के अंदर 9 ग्रहों, जो पहली बार मैंने देखा है कि 9 ग्रहों की मूर्तियां बनी हुई हैं। और इस और सबसे बड़ी अच्छी बात कि तांबे के पेपर के ऊपर श्री भगवत गीता लिखी हुई है, जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। और भगवान की जितनी भी लीला, जब तक भगवान इस जगह पर रहे तो उनकी पूरी ऊपर मंदिर की छत पर सारी कलाकृति बनी हुई देखने के आपको मन लगेगा। और सबसे एक चीज़ अंदर अगर आपको वहाँ पे एक झांकियों के लिए उन्होंने गुफा बनाई, अंदर मंदिर में गुफा बनी है जिसकी टिकट सिर्फ 10 रुपये है, और 10 रुपये टिकट होने के बाद आप वहाँ पे पूरे 15 से 20 झांकियाँ बनी है देख सकते हैं आपको, और बच्चों के लिए फ्री है वहाँ पर। और इस बाहर निकलिए आप मंदिर के सीधे हाथ पे चलेंगे तो पौत्र कुंड है, जो श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर वस्त्र धुलते थे जो बचपन में छोटे बच्चे थे जब उनकी माता यहाँ पे धोती थी। तो उसके बाद पहले ये कच्चा था, बाद में इसको पक्का बनाया गया है। पक्का बनाने के बाद देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी लाइटिंग शो होते हैं, इवनिंग में लाइटिंग शो होते हैं। और ये जस्ट अब देखेंगे आज भी पानी इसमें है और ये अलग अलग तरह की लाइटें हैं। श्री कृष्ण की माता और पिता को कंस ने उधर बंदी बना दिया था, और जो 8वीं संतान थी श्री कृष्ण भगवान, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ पे उन्होंने अपनी लीला रची, तो इसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि इसका नाम दिया गया। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है और इसमें यहाँ पर वस्त्र धोना और आज में गंदगी फैलाना यहाँ सरकार की तरफ से मना है। और ये मंदिर, ये जो जगह बनाई गई है, ये जस्ट गेट नंबर जो बनी हुई है, ये जगह गेट नंबर
मंदिर का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट है उसके जस्ट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आसानी से आ सकते हैं। और चारों तरफ काफ़ी अच्छा बाजार है, यहाँ पे आप अपने भगवान से प्रसाद और वस्त्र वगैरह आप ले सकते हैं। और मेरे देखिए ये दूसरा गेट है, यहाँ तीसरे तीन गेट से यहाँ पे एंट्री है। अब ये बताएंगे कि मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, उस पर कमेंट करना, एक लाइक तो बनता ही है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, इस मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवत गीता तांबे के पन्नों पर लिखी हुई है। और दूसरी एक चीज़ बताई थी, नौ ग्रहों की मूर्तियां मैंने इसमें देखी हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के।